देखो ये आ गया हमारा छोटा सा सचिन तेंदुलकर। अब खाने बैठ गए हम, ये चिप्स और क्या नाम है इसे, क्या कहते हैं ये, क्या है, मक्का वाली पापड़ी। इसमें बन रहे हैं चावल और अभी बनाई थी ये दाल, गरम गरम दाल। अब देखते हैं इसमें क्या निकलता है। वैसे तो दिखाई दे रहा है, इसकी फोटो से पता चल रहा है। अवानी फिश हो गया था, असल में ना अवानी के यहाँ चोट लगी और बहुत सारी, काफी सारी ये चोट लगी। देखिए घर पे आए हैं आज रिश्तेदार। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का ये व्लॉग शुरू करते हैं, तो आज का ये व्लॉग मैं शुरू करती हूँ। और आज बहुत लेट हो चुका, हमने नाश्ता भी कर लिया, नाश्ता करके हम फ्री भी हो चुके क्योंकि आज मशीन लगाई थी, सबकी छुट्टी थी आज, ठीक है। तो आज मशीन लगाई थी तो उसके वजह से घर सारा फैल रहा था, इसलिए मैंने व्लॉग भी स्टार्ट नहीं करा और मुझे व्लॉग बनाने का टाइम भी बिल्कुल मिला नहीं था। तो अब काम से थोड़ा सा सब फ्री हो गए हैं, तो घर में साफ़ सफाई भी हो गई है, फ्री हो गए हैं बच्चे भी, बच्चों को भी नहला धुला के कपड़े इनके चेंज करा दिए हैं बच्चों के, तो अब फ्री हैं। तो मैंने सोचा चलो अब व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो इस टाइम घड़ी में बज रहे हैं सुबह के 11। सैंडल पहन के ना तैयार बैठी है बाहर घूमने के लिए, जाने के लिए। इसका डेली का ये रूटीन है, इसको नहलाओ धुलाओ तैयार करो और ये लाती है अपनी चप्पलें और पहनती है और चल देती है बाहर कि अब चलो बाहर घूमने के लिए। इसका डेली का ये रूटीन है, इसको बाहर जाना होता है। इजा हेलो करो, हेलो करो सबको, हेलो करो, माम भी कर दो, तो सबको माम भी कर दो। इजा ने सबके, इजा की तरफ से आप सब लोगों के लिए सलाम है और सबको हेलो भी करा है इजा ने। इसे रख दो, ठीक है, जब रिहान आ जाएगा ना तब बना के देंगे क्योंकि वो, उसे भी ओट्स पसंद है, वो भी खाएगा, तुम भी खाना, दोनों खाना। सफोला ओट्स, ये सब तो छोटा वाला भाई है, ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है सबको, बहुत ज़्यादा, जीने नहीं दूंगा। ठीक है, ये आ गया अबान, ये लिया है। देखो ये आ गया हमारा छोटा सा सचिन तेंदुलकर। अब खाने बैठ गए हम, ये चिप्स और क्या नाम है इसे, क्या कहते हैं ये, क्या है, मक्का वाली पापड़ी कहते हैं ना ये, बहुत टेस्टी लगती है, एकदम नमक वाली होती है और इतनी करारी कुरकुरी होती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मज़ेदार सी चटपटी, ये चिप्स भी, आलू वाली चिप्स, इसे तो आप सब जानते ही हो क्योंकि तो हर किसी, ज़्यादातर सबको ही पसंद आती है। एक देखो इसे कैसे बैठा है, शाहजादी की तरह, जैसे कोई महाराजा किसी महल के अंदर बैठे हो ना, और उनकी वो, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल, क्या बोलते हैं, दासियां, उनको वो लेकर आई हो और वो खा रहे हो आराम से। ये देखो इनके खाने के तरीके, राजा वाले उनको तेजा दूध पीने लग गए, हम सब ये खा रहे हैं, ये दूध पी लिया, इसका देखो, ये देखो बच्चे क्या कर रहे हैं, नौकरी जो कैसे फैला दी जरा सी देर में। ये अबान, ये जो छोटा सा ये बच्चा है, ये ऊपर आ गया था खाना, उसके साथ साथ भैया हम भी ऊपर आ गए। ये रूम, ये भाभी का, बड़ी वाली भाभी का रूम है ये, ठीक है। तो मैं ऊपर वाले रूम में आई हूँ, किराया तू रिहान, ये क्या है, ये करके दिखाओ, क्या लाया, किराया क्या सामान है, दिखाओ ऐसे करके, दिखाओ इसे मुझे, ये देखो ये लाया रिहान, क्या बोलते हैं, बुलडोजर है क्या है ये, क्या है ये टू ट्रक, क्या है ये देखो, मुझे पड़ रही है बारिश, ठीक है। ये देखो ये सही, अब आदमी को सबसे ज़्यादा भूख लग रही है, यही बैठ रहा है, दोपहर का 1 बज रहा है, बाहर बारिश भी पड़ रही है, बच्चों को लग रही है भूख और ये बैठ गए इस टाइम खाना खाने के लिए, खा रहे हैं खाना। ये वही रात वाली लोबिया की सब्ज़ी है, ये करेले है और ये चावल है, ठीक है। तो बच्चे खाना खा रहे हैं, अब 1:30 बज चुके हैं और क्या नाम है, हमने सबने खाना खा लिया है, अब अब्बू आए हैं, अब्बू अब खाना खाएंगे और अम्मी अपनी दवाई खा रही है, उनकी दवाई का टाइम। हाय बोलो सबको, नहीं रोड आज अबान का मूड नहीं है, सबको किसी को भी हाय हेलो करने का। अभी भाभी यहाँ किचन में बना रही थी खाना, इसमें बन रहे हैं चावल और अभी बनाई थी ये दाल, गरम गरम दाल, मसूर वाली दाल। हमारे यहाँ पे ये ना घर, हमारे घर में ना सभी लोग थोड़ी सी ना खड़ी दाल पसंद करते हैं खाना, है ना, जो थोड़ी गुड़ जाती दाल उसे नहीं खाते, पसंद नहीं करते बिल्कुल भी।
ये आ गया पार्सल, शायद आ गए, आ गए, आ जाओ। ओटीपी ले लो, ओटीपी, ओटीपी बता दो, ओटीपी, ओटीपी। अमन हट तो जा, ध्यान हट जाओ। अब देखते हैं इसमें क्या निकलता है। वैसे तो दिखाई दे रहा है, इसकी फोटो से पता चल रहा है कि ये जूसर है, मिक्सर है, जूसर बता रहे कि जूसर है। ये इधर हो रही है, ये बच्चे देखो ये सोच रहे कि हम डब्बे में घुस के बैठ जाएं। अब फ्रिज में क्या है हमारे पास, क्या है? ये अभी कुछ है, केला, खीरा, ये रहा उसको जूस बनाने। ये देखो इन्हें दोनों को, ये कार चला रहे दोनों। इस टाइम गली में टाइम हो रहा है, 4 बजने वाले हैं, और ये देखिए चारों तारा सब पतंग उड़ा रहे हैं, पर मुझे पतंग नजर नहीं आ रही बिल्कुल भी। हाँ कुछ कुछ दिखाई दे रही है, पर शोर इतना हो रहा है, गानों की इतनी आवाज आ रही है, शोर शराबा तो इतना हो रहा है। थोड़ा मैं भी खेलती हूँ, बच्चे खेल रहे हैं, आज बच्चों ने बहुत परेशान कर रखा है, इसलिए मैं व्लॉग शूट नहीं कर पा रही हूँ ज़्यादा। और आज मैं वापस घर भी जा रही हूँ, शाम को ये आ जाएंगे लेने के लिए, तो आज मैं घर जा रही हूँ। कल आरिश को स्कूल जाना है, आरिश की 2-3 दिन की छुट्टी थी, इस वजह से मैं संडे वाले दिन शाम को मैं आ गई थी, मुझे पहले ही आना था पर मैं आ नहीं पाई, तो मैं संडे वाले दिन आई शाम के टाइम, और मैं आज वापस शाम को फिर से जा रही हूँ घर वापस। शाम के 4:30 बज गए हैं, और सलीम पता नहीं कहाँ तैयार होकर जा रहा है, शायद पतंग उड़ाने के लिए जा रहा है, और ये इधर उधर सो रही है। अबानी भी सो गया था, असल में ना अबानी के यहाँ चोट लगी, और बहुत सारी, काफ़ी सारी ये चोट लगी, देखिए अबान के बहुत सारे सर के अंदर चोट लग गई है। अबान और आरिश दोनों खेल लेते, तो वो आरिश ना साइकिल चला रहा था, तो उसकी वो गलती से साइकिल से गिर गया, और जिसकी वजह से साइकिल लगने से भी अबान गिर गया, और उसके सर में इस तरीके से चोट लगी थी, बहुत ज़्यादा चोट लगी बेचारे के, और अब ये सो गया है। ये देखो शाम का टाइम हो रहा है, शाम की चाय का टाइम हो गया, क्या टाइम हो रहा है, 6:45 बज रहे हैं, और ये देखो ये नाश्ता मांग रहे हैं, ये नाश्ता कर रहे हैं, ईजा ना चाय पापे खा रही है, कहेंगे पापे ला रही, चलो अभी मिलेंगे, ठीक है अभी मिलेगा नाश्ता। ये लोग नाश्ता कर रहे हैं, और हम जा रहे हैं किचन में काम करने के लिए। ये अम्मी अबू बैठे, कुछ उनकी बातें चल रही हैं, डिस्कस चल रहा किसी बात का। तो ये भाभी कर रही हैं अखनी उबालने की तैयारी, ये उबाल रही हैं अखनी, और आज बनाने वाले हैं बिरयानी। बिरयानी कौन सी बनाएंगे वो आपको बाद में पता चलेगी, ठीक है। आज ये बिरयानी बनाने की तैयारी हो रही है। ये पतंग ना घर में आ गई थी हमारे, क्योंकि हमारा ये घर ना आंगन ये बाहर से ना ओपन है, तो ये सीधे यही आ गई, तो इस पतंग को मैंने पकड़ लिया यार। ये पतंग उड़ाओ, पतंग, ये पतंग उड़े, ये उड़ा ये पतंग, ये देखो अबान के ना बहुत सारी चोट लग गई है सर में, और अबान को देख के बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि अबान के देखना इतनी इतनी सारी चोट लगी बच्चे के, छोटे से मासूम से बच्चे के। हाँ बेटा, इस टाइम टाइम हो चुका घड़ी में 8, और यहाँ बनने रही है बिरयानी, यहाँ बनने वाली है अभी बिरयानी जो कि बन रही है, और ये भी आ चुके हैं मुझे लेने के लिए, ये बैठे हुए, और बच्चे खा रहे चॉकलेट। घर पे आए हैं रिश्तेदार। चुप, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हो तेरी मुंह खोलने। तो पता है रिश्तेदार किसे कहते हैं, तो जिनको मालूम है रिश्तेदार किसे कहते हैं वो कमेंट करके बताइएगा। ये देखो बच्चे सारे कोल्ड ड्रिंक मांग रहे हैं पीने के लिए, छोटे छोटे बच्चे इतने शौकीन है कोल्ड ड्रिंक के बहुत ही ज्यादा। अभी कर रही हैं काम किचन में, ये धो रही हैं बर्तन, बहुत सारे गंदे बर्तन हो गए थे, नाश्ता किया था,
और यहाँ बनाई है इन्होंने बिरयानी, और मैं दिखाती हूँ बिरयानी कैसी बनी है। ये देखो गर्मा गर्म मज़ेदार बिरयानी बन के तैयार हो चुकी है, लग रही है ना मज़ेदार टेस्टी देखने में एकदम। ये देखो आप उड़ाने वाले हैं कैंडल, ये क्या उनसे बोलते हैं, क्या क्या कहते हैं, कैंडल पतंग, कैंडल वाली पतंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं गाइस, मुझे उसका नाम नहीं मालूम है, जो भी से कहते हैं। ये देखो बच्चे कैसे खुश हो रहे हैं, मुझे नहीं मालूम जो भी है। अरे फट रही है तो पीछे जाओ अबान, पीछे अबान को पकड़ लो, पकड़ ले लीजिए इसका, अबान ही आओ मेरे पास बेटा, ये इन सब चीज से दूर रहते हैं। अरे आरिफ भाई थोड़ा पीछे ना, ये देखो सुपरमैन बने, सुपरमैन दोनों, ये देखो, और ये दो छोटे छोटे बच्चे इनके साथ लग रहे हैं, बस इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये मतलब कर क्या रहे हैं, पर ये इनके साथ लग रहे हैं, देख के बड़े खुश हो रहे हैं इनको। और भाभी ने भी खाना खा लिया, वो खा के बाहर चली गई हैं, बस मेरे प्लेट के थोड़े से चावल बचे हैं जो मैं फिनिश कर रही हूँ। ये बच्चों का एक मंत्र है ता 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 भूता, वो मुझे भी नहीं पता, ये बच्चों को पता है क्या मंत्र है। बच्चे बने सुपरमैन, सुपरमैन जी भाई, सुपर ये सुपर वूमैन बनी, जंप, ये जंप कर ली। हम सब घर आ चुके हैं, मैं आगे का उससे आगे का घर का ब्लॉग निकलते टाइम बना नहीं पाई थी क्योंकि बच्चे परेशान कर रहे थे इसलिए, तो अब घर आ चुके हैं फाइनली, और इस टाइम 10:30 बज रहे हैं। कल सुबह आरिस का स्कूल है, आरिस को स्कूल जाना है क्योंकि आरिस की वैसे भी छुट्टियां हो चुकी थी और 3 दिन की स्कूल की छुट्टी थी, है ना, स्कूल के तरफ से 3 दिन की इसकी छुट्टियां थी। तो अब जैसे कि अबान की भी चोट लग रही है और अबान की तबीयत ठीक नहीं है, इसको भी टाइम से सुलाना है और आरिस को भी टाइम से सुलाना है, तो इस व्लॉग को मैं आज यहीं रखती हूँ। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो इस व्लॉग को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ अगले दिन, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अबान बाय बाय नहीं बोलोगे, सबको बाय बाय बोलो, बाय बाय बोलो ऐसे, बाय 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 बाय, अबान का मूड नहीं है बाय बाय करने का। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.